सर, जैसे कि ये जो आज हम फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं स्वर्ग, इसके बारे में कुछ बताइए और इसका किरदार क्या है आपका? ये स्वर्ग तो टाइटल अपने आप बहुत अच्छा है, काफ़ी फैमिली ड्रामा फिल्म है, ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, फुल ऑफ मसाला है, एंटरटेनमेंट, एक्शन, रोमांस, सब कुछ है जो एक ऑडियंस को चाहिए, जो एक भोजपुरी समाज को चाहिए, फुल ऑफ मसाला फिल्म है। और जहाँ तक मेरे किरदार की बात है तो इसमें फर्स्ट टाइम मुझे आप लोग एक अलग ही टाइप की दीवानगी वाले कैरेक्टर में देखोगे, जो मतलब देखते हैं शाह जी जो हमारे डायरेक्टर साहब है, जो नवाब साहब हैं, उन्हीं से करा ले, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वो शायराना अंदाज, वो उसका वो ड्रिंक, वो एकदम समझ के चलो आप देवदास, भोजपुरी या मॉडर्न देवदास टाइप का कैरेक्टर है। मैंने देवड़ी नहीं बोला, मैंने देवदास बोला। अगर रंगरेलिया वाली बात आती तो मैं देवड़ी बोलता, ये इज टिपिकल देवदास, ये लोग देवदास वाला कैरेक्टर है। तो एक बंदा है जो एक काफ़ी प्यार करता है और कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको एक सदमे में जाना पड़ता है, फिर कैसे कैसे उसके साथ क्या बीतती है, यही इस कहानी है। तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी मज़ेदार है, मज़ा आएगा करके। जी आज से ही शुरू हुआ फिल्म, हाँ आज पहला दिन है इस फिल्म की शूट का, और अभी ब्रेक हुआ है बस, सुबह से शूट चल रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से शॉट वॉट लिए जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अंदर बार सजाया गया पूरा तो आज कोई गाना या? नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बार सजाया गया हो तो आइटम सॉन्ग, या फिर उससे भोजपुरिया टेस्ट पे लेके जा रहे हो कि मतलब वही टिपिकल चीज़ होगी। मैंने बताया जैसे कि इसमें जो मेरा एक अंदाज है वो पूरा देवदास वाला है, एक बंदा है जिसको सदमा लग जाता है और काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है, तो उस हिसाब से बंदा इतना रहे उसके घर में बार बार सब कुछ पड़ा हुआ है, तो अपने ही घर के केबिन में बैठ के और ड्रिंक कर रहा है, वो सब एक सीक्वेंस जाता है। और आपने क्या क्या तैयारियाँ की हैं नंबर के साथ, कैसे आप 31st मनाएंगे? देखिए जो आप शेड्यूल का पूछ रहे हैं, तो अभी मैं कंटिन्यू शूट कर रहा था, मेरी एक लास्ट फिल्म जो है अभी शूट कर गया है गुजरात से, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, जो कि एक इंडियन आर्मी के बेस थी, इंडियन कैंप पे। मैं आज ही यहाँ मुंबई आया हूँ सुबह 3 बजे, और 7 बजे से 9 बजे से मेरी शिफ्ट थी इसकी, स्वर्ग की, यहाँ मैं शूट कर रहा हूँ। मैं स्वर्ग शूट कर रहा हूँ आपको 31st का, 31 को हम लोग यहीं पर शूट कर रहे हैं। अब जो फर्स्ट का प्लान रहा तो 31st नाइट जब शूट करके जाऊँगा तो जो मैं टायर्ड रहूँगा, और अब तक जो मैं टायर्ड होकर पिछले एक हफ्ते क्या 20-25 दिन से चल रहा हूँ, तो 31st तो मेरे घर पे ही बनने वाला है, या अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो किसी फ्रेंड सर्कल में गेट टुगेदर, और न्यू ईयर के बाद फिर उसके बाद दो को मेरा एक ये है, मेरी फिल्म का ट्रेलर एडिट होने वाला है, उसमें मुझे बैठना है, और 4 से फिर सेम फिल्म की स्वर की शूटिंग है। तो न्यू ईयर के लिए काफ़ी सारी प्लानिंग नहीं है, वही गेट टुगेदर फ्रेंड्स के साथ होगा, पर हमारी जो ऑडियंस है उन सब किसी को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर, खूब इन्जॉय कीजिए, खूब पार्टी सेलिब्रेट कीजिए, और ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिए। जी नाम बताइए ना मुझे, प्लीज नाम आप ही बताने देना। नहीं, जो जो सीक्रेट है उसका सीक्रेट रहने दीजिए, नाम नहीं लूंगा नाम, लेकिन तो कर रहे हैं आप भोजपुरी एक्ट्रेस, मुझे नाम बताओ ना आप, मैं किसको डेट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो मेरी फिल्म का कॉन्सेप्ट है ना, मैं फिलहाल अभी प्रिया शर्मा जी को डेट कर रहा हूँ इस फिल्म में, तो अभी मैं उनके साथ ही हूँ 4 दिन, तो मैं 4 दिन इनको ही डेट करने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर में 4 तारीख से इनको ही डेट कर रहा हूँ, 7-8 तारीख तक, उसके बाद फिर अगला जो शेड्यूल पे जाऊँगा तो देखा जाएगा मैं किसको डेट करता हूँ। और नए साल की बात करें तो नए साल आप किस तरह से मनाते हैं, अगर कॉलेज की बात करें या स्कूल में आप किस तरह से मनाया? देखिए हमने के जब बात हुई, हमने के बिहार से ठहरनी, पारिवारिक रहनी, पारिवारिक माहौल रहे, तो घर जब न्यू ईयर के बाद चलत रहे तो वह पिकनिक मनावे के हमने यहाँ के बड़ी ट्रेंड बाकी, न्यू ईयर पे चले जाए पिकनिक मनावे, तो बस सवेरे सवेरे पूरा घर वाला एकदम गाड़ी के डिक्की में सामान कसा जाए, चूल्हा उल्हा, और बस कुछ चीज़ें घर बन जाए, कुछ चीज़ें चल के पिकनिक स्पॉट पर बनी, पिकनिक मनत रहे। और जब स्कूल कॉलेज में पार भइल, जब आदमी आयल कॉलेज में, बाहर निकल घर से, जब फ्रेंड सर्कल चाहे मुंबई, तब फिर यहाँ के अंदाज में 31st नाइट, चाहे तो किसी डिस्को पब में, चाहे किसी फ्रेंड्स के यहाँ गेट टुगेदर, रहेंगे बस चलत रहेला। पर इस साल उम्मीद कम बा, इस साल तो बता देने के हेटिक शेड्यूल बा, 31st तारीख का हमारा शूट बा, पर नाइट में कहीं फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो ही ना, तो लेट नाइट हो गई तो सेटे पे मना लेगा। और तो अगर आप कॉलेज की बात करें तो कॉलेज या स्कूल की बात करें तो पहला क्रश किसके था? मतलब आप क्या एकदम खरोच रहे हो मुझे?
देखिए जो बातें पुरानी होंगी पुरानी ही रहेंगी, अब अगर इस अगर आपको किसको नहीं हुआ होगा, शायद अगर अगर जिसको नहीं हुआ होगा शायद उसके अंदर ही कुछ फॉल्ट होगा। स्कूल कॉलेज में किसे नहीं होता है। और नाम ना पूछिए, नाम लेंगे तो बदनाम हो जाएंगे वो। चलिए तो दूसरी बात, जैसे कि आप एक आतंकवादी से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की शूटिंग कर रहे थे, तो किस तरह का रहा एक्सपीरियंस कुछ बताओ ना। ये बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। मतलब जैसे मैं लास्ट बाइट में बताया था कि अब तक जो पाकिस्तान को लेकर फिल्में बनाई जा रही थी कि जैसे एक हीरो है उसको पाकिस्तानी किसी हीरोइन से प्यार हो गया और यहाँ भोजपुरिया हीरो के अंदर सुपर पावर आ गया, वो ना वीज़ा निकाला ना पासपोर्ट और घुस गया बॉर्डर पर और हीरोइन को लेके आ गया, वो सब्जेक्ट नहीं है। आर्मी बेस्ड सब्जेक्ट है, मिल पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी पूरी फिल्म इन पे बेस है। कैसे उनके जीरो माइल्स पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ें निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, फिर क्या होता है लास्ट में, एक एक शहीद को कैसे एक आर्मी ऑफिसर को कैसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो मुसलमान हैं, जो हमारे इस इंडिया में या इंडियन आर्मी में जो मुसलमान हैं, उनको पाकिस्तानी मुसलमान किस नज़र से देखते हैं, उनके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, पूरा का पूरा यह सब माजरा हुआ। और पूरा फिल्म जब वो इंडियन आर्मी पे बेस बा तो काफ़ी मज़ेदार कॉन्सेप्ट बा, करके बड़ा मज़ा आई। पूरा 11 हीरो 11 विलेन धांसू रेल, बड़ा मज़ा आई करके। इस हफ्ते एक बड़ी फिल्म रिलीज हुई बॉलीवुड की, दंगल फिल्म, 100 करोड़ भी कमा ली फिल्म ने। देखिए हमारा दंगल के नहीं के पता का, हम तो शूटिंग में कंटिन्यू बाजी बिजी बा, पर हमारा ई पता बा कि दंगल के संगे एगो फिल्म आइल बा भोजपुरी में, बलिया के दबंगई, जेमे हम वॉइस ओवर देले बानी। और दबंग और बलिया शहर के ऊपर तकरीबन 2.5 मिनट से 3 मिनट के हमारे वॉइस ओवर बा, स्पीच बा कि बलिया में गोलियां गालियां तालियां और रैलियां सरेआम निकले लाओ बाबू।